नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान सुभाष देसाई जी, ईस्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस बी मजुमदार जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विद्या एरावत केकर जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, आज आप सरस्वती का धाम वैसी एक तपोभूमि का, जिसकी गोल्डन वैल्यूज है और गोल्डन हिस्ट्री है, इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सिंबायोसिस अपनी गोल्डन जुबिली के मुकाम तक पहुंचा है। एक संस्थान की इस यात्रा में कितने ही लोगों का योगदान होता है, अनेक लोगों की सामूहिक भागीदारी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने यहां से पढ़कर सिंबायोसिस के विजन और वैल्यूज को एडॉप्ट किया, अपनी सक्सेस से सिंबायोसिस को पहचान दी, उन सबका भी इस जर्नी में उतना ही बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर सभी प्रोफेसर्स को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी एलुमनाई को ढेरों बधाई देता हूं। मुझे इसी गोल्डन मोमेंट पर आरोग्य धाम कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इस नई शुरुआत के लिए पूरी सिंबायोसिस फैमिली को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है जो वसुधैव कुटुंबकम के भारत के मूल विचार पर निर्मित है। मुझे ये भी बताया गया है कि सिंबायोसिस ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां वसुधैव कुटुंबकम पर अलग से कोर्स भी है। ज्ञान का व्यापक प्रसार हो, ज्ञान पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का माध्यम बने, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। मुझे खुशी है कि ये परंपरा हमारे देश में आज भी जीवंत है। मुझे बताया गया है कि अकेले सिंबायोसिस में ही दुनिया के 85 कंट्री के 44,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं, अपने कल्चर्स को साझा करते हैं। यानी भारत की प्राचीन विरासत आधुनिक अवतार में आज भी आगे बढ़ रही है। साथियों, आज इस संस्थान के छात्र
उस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके सामने इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज है। आज हमारा ये देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से शामिल है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब, स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हमारे देश में है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का इंडिया इनोवेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। आप पुणे में रहने वाले लोग तो और अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने किस तरह पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखाया है। अभी आप लोग यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। साथियों, आपकी जनरेशन एक तरह से खुश नसीब है कि उसे पहले वाली डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलॉजी का नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन देश में अगर ये बदलाव आया है तो इसका सबसे पहला क्रेडिट भी आप सभी को जाता है, हमारे युवा को जाता है, हमारे यूथ को जाता है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जिन सेक्टर्स में देश पहले अपने पैरों पर आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, उन सेक्टर्स में अब हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कुछ साल पहले तक हमारे लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और ऐसे ही न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही मतलब था, इंपोर्ट करो, दुनिया में चच्चे हैं कहीं से ले आओ। डिफेंस सेक्टर में हम दशकों से ये मानकर चल रहे थे कि जो दूसरे देश हमें देंगे हम उसी के भरोसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज स्थिति भी बदली है, परिस्थिति भी बदले हुए हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर के उभरा है। सात साल पहले भारत में सिर्फ
दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, आज 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस काम में जुटी है। डिफेंस में भी दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश की पहचान वाला भारत आज डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। आज देश में दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जहां बड़े से बड़े आधुनिक हथियार बनेंगे, देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे। साथियों, आजादी के 75वें साल में हम एक नए भारत के निर्माण के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत अभियान का नेतृत्व हमारी युवा पीढ़ी को ही करना है। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, एआई और एआर से लेकर ऑटोमोबाइल और ईवी तक, क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर मशीन लर्निंग तक, हर फील्ड में नए मौके बन रहे हैं। देश में जियो स्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर के सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी तक लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म्स सरकार का रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये रिफॉर्म्स आपके लिए अवसर लेकर के आए हैं। और ये मैं कह सकता हूं, ये रिफॉर्म्स आपके लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं। आप चाहे टेक्निकल फील्ड में हो, मैनेजमेंट फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में, मैं समझता हूं ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज देश में जो सरकार है वो देश के युवाओं के सामर्थ्य पर, आपके सामर्थ्य पर भरोसा करती है। इसलिए हम एक के बाद एक अनेक सेक्टर्स को आपके लिए खोलते जा रहे हैं। इन अवसरों का खूब फायदा आप उठाइए, इंतजार मत कीजिए। आप अपने स्टार्टअप शुरू करिए, देश की जो चुनौतियां हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उनके समाधान यूनिवर्सिटीज से निकलने चाहिए, नौजवानों के दिमाग से निकलने चाहिए। आप ये हमेशा याद रखिए कि आप चाहे जिस किसी फील्ड में हो, जिस तरह आप अपने कैरियर के लिए गोल सेट करते हैं, उसी तरह आपके कुछ गोल्स देश के लिए भी होने चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपके इनोवेशंस, आपका काम कैसे देश के काम आ सकता है? क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जिससे गांव के किसान को हेल्प मिले, रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स को कुछ मदद हो सके? इसी तरह अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे गांवों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस उपलब्ध हो, इसके लिए आप टेक फ्रेंड्स के साथ मिलकर नए स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं। आरोग्य धाम जैसे जिस विजन का सिंबोसाइज ने शुरू किया है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम आ सकता है। और जब मैं
आरोग्य की बात कर रहा हूं तो आपसे ये भी कहूंगा कि अपनी फिटनेस का भी ध्यान जरूर रखिएगा। खूब हंसी है अभी नहीं बात भाई, जॉक्स मारिए, खूब फिट रहिए और देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाइए। हमारे गोल्स जब पर्सनल ग्रोथ से बढ़कर नेशनल ग्रोथ के साथ जुड़ जाते हैं तो राष्ट्र निर्माण में स्वयं की भागीदारी का एहसास बढ़ जाता है। साथियों, आज जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के 50 वर्ष के मुकाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं इस सिंबायोसिस फैमिली से कुछ आग्रह करना चाहता हूं, और सिर्फ यहां बैठे हुए लोगों को नहीं, आपको भी आग्रह करना चाहता हूं। क्या सिंबायोसिस में हम एक परंपरा विकसित कर सकते हैं क्या कि हर वर्ष किसी एक थीम के लिए डेडिकेट किया जाए और यहां जो भी लोग हैं किसी भी फील्ड में होंगे वे एक साल अपने बाकी कामों के उपरांत इस एक थीम के लिए उनका कोई न कोई डेडिकेशन, योगदान, भागीदारी, इनिशिएटिव होना चाहिए। अभी से मानो तय करें कि जब गोल्डन जुबली बना रहे हैं तो नेक्स्ट 5 साल 2022 का थीम कौन सा होगा, 2023 का थीम कौन सा होगा, 2027 का थीम कौन सा होगा, क्या अभी से हम तय कर सकते हैं? और जैसे एक थीम मैं बताता हूं, जरूरी नहीं कि इसी थीम पर चलना चाहिए, आपकी अपनी योजना से बनाइए। लेकिन हम मान लीजिए, सोच लीजिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, ये विषय ले लिया, 2022 पूरा ये हमारा परिवार ग्लोबल वार्मिंग के हर पहलू उसी का अध्ययन करे, उसी पर रिसर्च करे, उसी पर सेमिनार करे, उसी पर कार्टून बनाए, उसी पर कथाएं लिखे, उसी पर कविताएं लिखे, उसी पर कुछ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करें, यानी बाकी सब करते करते एक अतिरिक्त काम, एक थीम ले लें, लोगों को भी जागरूक करें। उसी प्रकार से जो हमारे कोस्टल एरियाज है या फिर समुद्र पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक थीम हो सकती है कि हमारे बॉर्डर एरियाज के विकास के लिए, जो हमारे आखिरी गांव है, जो हमारी सीमा की सुरक्षा में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जी जान से जुटे रहते हैं, एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे देश के रक्षक हैं, क्या हम यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे परिवार में हमारे बॉर्डर डेवलपमेंट का प्लान क्या हो सकता है? इसके लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उस इलाके का टूर करें, वहां के लोगों की दिक्कतें समझे, फिर यहां आकर के बैठ करके चर्चा करें, समाधान खोज के निकालें। आपकी यूनिवर्सिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम भी, उस सपना भी साकार तब होता है जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है। यूनिवर्सिटी में आए एक क्षेत्र के छात्रा दूसरे क्षेत्र की भाषाओं से के भी बहुत कुछ शब्द सीखे तो और भी बेहतर होगा। आप लोग लक्ष्य रख सकते हैं कि जब सिंबायोसिस का छात्र जब यहां से पढ़कर निकलेगा तो मराठी समेत भारत की 5 अन्य भाषाओं के कम से कम 100 शब्द, 100 वर्ड्स उसको पक्के याद होंगे,
और जीवन में उसकी उपयोगिता उसको पता होगी। हमारे आजादी के आंदोलन का इतिहास इतना समृद्ध है, इस इतिहास के किसी पहलू को आप डिजिटल करने का काम भी कर सकते हैं। देश के युवाओं में एनएसएस एनसीसी की तरह हम किस तरह और नई एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी ये पूरा परिवार मिलकर के काम कर सकता है। जैसे वाटर सिक्योरिटी का विषय हो, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का विषय हो, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग से लेकर के फूड प्रोडक्ट की स्टोरेज और नेचुरल फार्मिंग तक, आपके पास रिसर्च लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत से टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक क्या होंगे इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देश की आवश्यकताओं को, देश की समस्याओं के समाधान को आप अपने उन विषयों को चुनिए ताकि हम सारे नौजवान, सारे यंग माइंड मिलकर के, इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्थाएं हैं, हम कुछ न कुछ सॉल्यूशन दे देश को। और मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप अपने सुझावों और अनुभवों को सरकार से भी साझा करिएगा। इन थीम्स पर काम करने के बाद आप अपनी रिसर्च, आपके रिजल्ट, आपके आइडियाज, आपके सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जब यहां के प्रोफेसर्स, यहां की फैकल्टी, यहां के छात्र मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे तो बहुत अद्भुत नतीजे निकलेंगे। आप कल्पना कीजिए, आज आप 50 साल मना रहे हैं, जब 75 साल मनाएंगे और 25 साल में देश के लिए 25 थीम पर 50-50 हजार माइंडों ने काम किया हो, कितना बड़ा संपुट आप देश को देंगे। और मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा सिम्बायोसिस स्टूडेंट्स को ही होगा। आखिर में मैं सिम्बायोसिस के स्टूडेंट्स को एक और बात कहना चाहता हूं, इस संस्थान में रहते हुए आपको अपने प्रोफेसर से, टीचर से, अपने साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा आपको सुझाव है कि सेल्फ अवेयरनेस, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को हमेशा मजबूत बनाए रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब इसी भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि 50 साल की आपके पास एक ऐसी पूंजी है, अनुभव की पूंजी है, अनेक एक्सपेरिमेंट करते करते आप यहां पहुंचे हैं, एक खजाना है आपके पास। ये खजाना भी देश के काम आएगा, आप फले फूले और यहां पर आने वाले हर बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आत्मविश्वास के साथ निकल पड़े, यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि मुझे आपके बीच आने के लिए कई अवसर मिलते रहते हैं लेकिन आ नहीं पाता हूं। जब मुख्यमंत्री था तो एक बार जरूर पहुंच गया था आपके बीच, आज फिर इस पवित्र धरती पर आने का मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि मुझे इस नई पीढ़ी के साथ रूबरू होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। सर, आपकी ऊर्जा सिम्बायसिस को और अधिक मेहनत करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करेगी।
तो सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के